स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बिछुआ जिला छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया और साथ ही छिंदवाड़ा की जनता के लिए कुछ घोषणाएं भी की जो हम आपको डीवी न्यूज के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब गांव का मजदूर अगर काम करने के लिए कहीं बाहर जाएगा, कोई भी एजेंसी ले जाएगी, तो उसे गांव में ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा। बिना ग्राम सभा को बताए अगर वह ले गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो ग्राम सभा तय करेगी हमारा तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे, वह 15 दिसंबर तक प्रस्ताव पास कर दे। अब तुम्हारे गाँव का तेंदुपत्ता भोपाल नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। अब तक करीबन 850 में से 33 ने हिम्मत की है और गरीब का पत्ता गरीब ही तोड़े और उनका पैसा उन्हीं के पास रहने दो। वहीं सीएम ने कहा कि अभी हमने छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सुशासन की सभी योजनाएं ठीक से देखी जाना चाहिए ताकि जनता को इनका लाभ ठीक से मिल सके। सीएम द्वारा कहा गया कि सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत जो नाम जोड़े गए हैं अब उनको अगले माह से लाभ मिला प्रारंभ हो जाएगा। पिछले दिनों मैं आया था और मुझे शिकायत मिली थी, इसीलिए मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। बिछुआ के सीएमओ को भी मैंने सस्पेंड कर दिया है। ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे उनको सरकारी सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर गरीब का राशन कोई खाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा काम करने वालों का मैं स्वागत करता हूं और गड़बड़ कहीं पाई गई तो उनको छोड़ेंगे नहीं। सीएम जनसेवा अभियान से सभी लोगों को अगले माह से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सीएम द्वारा कहा गया कि आज छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं। सड़कों, स्कूलों, छात्रावासों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए विकास छिंदवाड़ा का भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जनसेवा में जगह जगह ऐसे नाम जोड़े गए हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। एक नहीं बल्कि 38 योजनाएं 83 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं। अगर ये शिविर नहीं लगते तो इतनी आसानी से नाम नहीं जोड़े जा सकते थे। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।